नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चिक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे बचे हुए चावल से स्नैक्स बनाना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बचे हुए चावल से स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बाउल में चावल लेना है। यहाँ पे पका हुआ चावल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे, हम एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक ग्राइंडिंग जार में चावल निकाल लिया। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारा चावल जो है वो ग्राइंड हो चुका है। आप चावल की कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल हमें ऐसे ही चावल को ग्राइंड करना है। इसके अंदर हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चावल को हथेली के बीच में रख करके हम कोई सा भी शेप दे देंगे। अब कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। जैसे ही सरसों तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर काला सरसों और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल करके हम इसको भून लेंगे। अब हम इसके अंदर चावल डाल करके इसको 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्च काट करके डालेंगे और इसको दोबारा से कुक करेंगे। अब चावल को चटपटा करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हम इसके अंदर ओरिगेनो डालेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर आमचूर पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार नमक डाल करके हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब कलर के लिए हम इसके अंदर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको दोबारा से कुक करेंगे। यहाँ पे अब हमारा चटपटा चावल का रेसिपी बनकर के तैयार हो चुका है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया पत्ता गार्निश करेंगे। अब यहाँ पे अब हमारा चावल का चटपटा स्नैक्स जो है वो बनकर के तैयार हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ, तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।